बैंकिंग एंड डेफिनेशन, बैंकिंग डेफिनेशन एंड फंक्शन. हमारा फर्स्ट चैप्टर है बैंकिंग का. बैंकिंग इज एन इंस्टीट्यूशन विच ट्रेड्स इन मनी, एस्टैब्लिशमेंट फॉर डिपॉजिट, कस्टडी, इश्यू ऑफ मनी, एज ऑल्सो फॉर मेकिंग लोन एंड डिस्काउंट, फैसिलिटेटिंग द ट्रांसमिशन ऑफ रेमिटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो किसमें ट्रेड्स करता है, मनी में, ट्रेड्स इन मनी. एस्टैब्लिशमेंट फॉर द डिपॉजिट, जो डिपॉजिट करता है, कस्टडी, इश्यू ऑफ मनी, मनी इश्यू करता है, एज फॉर मेकिंग लोन, लोन प्रोवाइड करता है, डिस्काउंट, फैसिलिटेटिंग द ट्रांसमिशन ऑफ रेमिटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ट्रांसमिशन ऑफ रेमिटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस मतलब ट्रांसफर करता है अपने फंड्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर. एक बहुत नॉर्मल सी डेफिनेशन है हमारी किसकी, बैंकिंग की. चार डिपॉजिट, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन्स, एजेंसी फंक्शन, जनरल यूटिलिटी फंक्शन. फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट. ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक इज टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक. क्या एक्सेप्ट करना डिपॉजिट किससे, पब्लिक से, उनको उसका लोन देना, प्रोवाइडिंग लोन. बैंक रिक्वायर्स मनी फॉर द प्रोवाइडिंग लोन. अब हमारे पास तीन तरीके के अकाउंट होते हैं, फिक्स्ड अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट. एक्सेप्टिंग डिपॉजिट की डेफिनेशन, इसमें तीन अकाउंट होते हैं, फिक्स्ड अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट. सबसे पहले हम बात करते हैं अपने फिक्स्ड अकाउंट की. फिक्स्ड अकाउंट क्या होता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज टाइम डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट. मनी इन दिस अकाउंट इज एक्सेप्टेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, से 2, 5, 10 इयर्स. द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दिस अकाउंट इज हायर देन दैट एनी ऑफ अदर अकाउंट. इसका क्या मतलब है, फिक्स्ड, हमें नेम से समझ आ रहा है, फिक्स्ड अकाउंट एफडी, इसको हम जल्दी जनरली बोलते हैं एफडी. फिक्स्ड डिपॉजिट ऑल्सो भी कॉल है, इसको हम एफडी भी बोलते हैं. ठीक है, एफडी, ठीक है. दिस इज ऑल्सो नोन एज टर्म डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट. एक टाइम में होती है, फॉर अ से ऑफ 2 इयर्स, 3 इयर्स, 10 इयर्स. ठीक है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दिस अकाउंट इज हायर देन दैट ऑफ एनी अदर इंटरेस्ट. और जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जब हम विड्रॉल करवाते हैं आफ्टर 2 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स, जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वो एनी अदर डिपॉजिट से ज्यादा होता है. ठीक है, नेक्स्ट करंट अकाउंट. करंट अकाउंट क्या होता है, जनरली ये बाय ओपन होता है बिजनेसमैन, ओपन बाय बिजनेसमैन, कंपनी, इंस्टीट्यूशन, हु मे हैव टू विड्रॉ द मनी सेवरल टाइम्स इन अ डे. द बैंक ग्रांट्स नो इंटरेस्ट ऑन दिस अकाउंट. उनको सेवरल टाइम्स में मनी विड्रॉ भी करवानी होती है एंड डिपॉजिट भी करवानी होती है, सेवरल टाइम, बहुत बार. इस अकाउंट पे हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, क्यों, आई विल टेल यू लेटर ऑन. ओके, ठीक है, टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट और करंट अकाउंट. ओके, then we have a saving account. Saving account क्या होता है, this type of account open by a small and middle income, जो small और middle families, group of people होते हैं, deposit in this account, जो भी वो deposit करवाते हैं वो क्या करते हैं, earn करते हैं interest at nominal rate. They deposit their small saving in this account and earn interest. वो अपनी छोटी छोटी savings को deposit करवाते हैं और earn क्या करते हैं, अपना interest earn करते हैं. हमने इन तीनों में पढ़ा, इसमें interest है, इसमें interest है, बहुत ज्यादा high rate of interest, इसमें interest नहीं है, क्यों नहीं है, मान नहीं है. ठीक है, इसमें हमें बहुत नॉमिनल रेट्स पे इंटरेस्ट मिलता है. कैसे मिलता है, दिस अकाउंट इंटरेस्ट है नॉमिनल रेट्स, क्योंकि हमारी छोटी छोटी सेविंग्स होती है इसमें. देखो, अभी हमने पढ़ा था किसके बीच में, करंट, फिक्स डिपॉजिट, करंट अकाउंट और हमारा सेविंग अकाउंट, हमने तीन चीजें पढ़ी थी. लेकिन हमें उसमें एक चीज समझ नहीं आई, रीजन व्हाई करंट अकाउंट होल्डर डू नॉट गेट एनी इंटरेस्ट, कि जो करंट अकाउंट के जो लोग होते हैं, बिजनेस मैन को, इंस्टीट्यूशन, उनको इंटरेस्ट क्यों नहीं मिलता, और जो सेविंग और फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं उनको इंटरेस्ट क्यों मिलता है, ये देखते हैं. देखो क्यों मिलता है, एक पर्सन है ए, हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे. एक पर्सन है ए, उसने डिपॉजिट करवाया बैंक में 10,000 रुपए, 8% इंटरेस्ट पे, इट मीन्स 800. ये बैंक है आपका, ये आपका पर्सन ए है. बैंक ने क्या करवाया, ए ने क्या करवाया, डिपॉजिट करवाया किधर, बैंक के गुल्लक में, इट इज अ गुल्लक. ठीक है, पर्सन बी क्या, उन्हें टेक अ लोन, उसने सेम लोन लिया 10,000 का, बैंक को इसको देने दे रहा डिपॉजिट पे, उसने इंटरेस्ट कितना दिया, 800. पर्सन बी टेक अ लोन फ्रॉम अ बैंक ऑफ ₹10,000, इसको देने थे बैंक को, इसको क्या करने थे, बैंक को देने थे. बैंक ने इस पे कितना इंटरेस्ट चार्ज दिया, 12%, इसको दिया कितना, 8%. डिफरेंस कितना आया, 4% का, 10,000 का 12%, 1,200, इसको दिया 800, इससे लिया 1,200,
400 बच्चे, ये बैंक की इनकम है, ठीक है। करंट अकाउंट में ये इनकम होती नहीं है बैंक की, क्यों? एक पर्सन आया ए, वो 10,000 रुपए जमा करवा गया 10 बजे, 11 बजे 20,000 निकलवा गया, ठीक है। फिर 3 बजे आया 2,00,000 जमा करवा गया, 5 बजे आया ले गया, 4 o'clock तक हमारे बैंक खुले होते, सॉरी, ठीक है। तो अब करंट अकाउंट पे क्या हमें इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि मनी सर्कुलेट ही नहीं हो रही है। ये मनी सर्कुलेट होनी चाहिए, बैंक इस पे इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए, इसको लोन पे देगा बैंक, इन वाली अमाउंट को लोन पे चढ़ाए बैंक, तो होती है हमारी मनी चार्ज, ठीक है। पैसे से पैसा बनाना कौन करता है? बैंक। ये बैंक का काम है पैसे से पैसा बनाना, इसलिए जो करंट अकाउंट होल्डर्स होते हैं वो अपनी इंटरेस्ट नहीं लेते, और जो सेविंग और फिक्स डिपॉजिट पे ज्यादा इंटरेस्ट, इस यही रीजन है, क्योंकि वो बहुत लॉन्ग पीरियड तक होती है हमारी फिक्स डिपॉजिट, किसके लिए होती है? बहुत लॉन्ग पीरियड तक होती है, हम 5 साल या 10 साल के बाद FD को वो करवाते हैं विड्रॉ, इसलिए हमारी FD पे ज्यादा इंटरेस्ट रेट होती है, और सेविंग में भी थोड़ा टाइम होता है, उसमें हम थोड़े कम टाइम में ही करवा लेते हैं, इसलिए इसमें थोड़ा नॉमिनल रेट होता है, जैसे हमने थ्योरी में पढ़ा था, ठीक है। ये बैंक की इनकम है, ठीक है। तो बैंक जब देता है तो कम देता है, और लेता है तो ज्यादा लेता है, तो वो जो उसके बीच का डिफरेंस है वो ही बैंक की इनकम है, जो करंट अकाउंट में हमारी नहीं होती, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट जो हम पढ़ चुके हैं, फिक्स डिपॉजिट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, अब हम क्या पढ़ेंगे? एडवांसिंग लोन। प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक में हम दो चीजें पढ़ेंगे, ये पढ़ चुके हैं, ये पढ़ेंगे एडवांसिंग लोन, लोन एंड एडवांसेस, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ओके। द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज एडवांसिंग लोन टू देयर कस्टमर, द बैंक रिसीव द डिपॉजिट बाय डिफरेंट वेज एंड पे इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट, बैंक ग्रांट्स लोन फ्रॉम दीज डिपॉजिट्स, चार्ज इंटरेस्ट एट अ हायर रेट। जनरली कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, एडवांसिंग लोन्स करते हैं किसको? नॉर्मली अपने कस्टमर्स को, ठीक है। जो उनके पास डिपॉजिट आती है उसका वो कुछ परसेंट लोन पे दे देते हैं, कुछ परसेंट अपने पास रखते हैं, ठीक है। जो परसेंट वो लोन पे देते हैं, जो परसेंट वो लोन पे देते हैं अमाउंट, उस पर वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, कैसा? एट द रेट ऑफ हायर रेट। एडवांसिंग लोन में हम बहुत सारे टाइप्स पढ़ेंगे, लोन इन एडवांसेस, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, डिस्काउंटिंग, बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, देखो अब हम पढ़ेंगे पहले लोन एंड एडवांसेस। जनरली हमने दो चीजें पढ़ी थी कि बैंक क्या देता है, हमें लोन देता है और हमारे डिपॉजिट करता है मनी, ठीक है। तो लोन लोन पढ़ते हैं, लोन क्या होता है? तो लोन मनी इज क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ द बोरोवर, द बोरोवर कैन विड्रॉ लोन अमाउंट अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट, द बोरोवर हैज टू पे द इंटरेस्ट ऑन द एंटायर अमाउंट ऑफ लोन। अगर कोई पर्सन लोन लेता है तो अगर कोई पर्सन लोन लेता है और वो विड्रॉ ले लेता है थोड़े टाइम बाद, तो उसको जो मनी देनी पड़ेगी वो विद इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ेगी, यही है लोन एंड एडवांसेस, ठीक है। अगर वो बैंक से कोई भी अमाउंट ले रहा है तो उसको उसको इंटरेस्ट के साथ थोड़े टाइम बाद, विद इन द टाइम, जब भी उसकी मैच्योरिटी डेट आती है तो उसको उसके साथ पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, बहुत सिंपल है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। कमर्शियल बैंक कैन ऑल्सो अलाउ कस्टमर टू ड्रॉ चेक, चेक ड्रॉ करो फॉर अ सम विच इज ग्रेटर देन द बैलेंसिंग लाइन इन हिज अकाउंट। इसका मतलब ये है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा चेक है, हमें क्लियर करना है 1,000 रुपीज में, लेकिन हमारे अकाउंट में है सिर्फ 900। ये बाउंस होने की कंडीशन होती है कि हमारे अकाउंट में पैसे नहीं है, लेस बैलेंस है, ठीक है, 1,000 से 900 है, तो बैंक हमें 100 रुपीज दे देगा। ये सिर्फ बिजनेसमैन को देता है जो करंट अकाउंट ओपन होते हैं जिनके, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनकी गुडविल खराब हो सकती है। क्या खराब हो सकती है? गुडविल। 100 रुपए नहीं है तो हमारे अकाउंट में तो उनकी बहुत ज्यादा गुडविल खराब होती है, ठीक है। कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी गवर्नमेंट, ठीक है, और कोई भी इंस्टीट्यूशन, ठीक है, तो बैंक उनको क्या देता है? 100 रुपीज दे देता है। फिर जब भी वो अपने डिपॉजिट करवाते हैं तो 100 रुपीज तो लेता है, उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज करता है। डेफिनेशन दोबारा पढ़ो, समझ आ जाएगी। कमर्शियल बैंक ऑल्सो अलाउ कस्टमर टू ड्रॉ अ चेक,
draw going to check for a sum which is greater than the balancing lie in his अकाउंट, मतलब बैलेंस उसका ग्रेटर हो जाए तो भी वो उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करवा देगा, दैट इज नोन एज आवर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. नेक्स्ट है डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज. ये भी हम एक एग्जांपल से समझेंगे. इन केस ऑफ होल्डर ऑफ अ बिल नीड अ इमीडिएट नीड मनी इमीडिएटली ही कैन गेट हिज बिल डिस्काउंटेड बाय अ कमर्शियल बैंक. बहुत सिंपल है डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बहुत सिंपल है. इन केस ऑफ अ होल्डर ऑफ अ बिल नीड इट्स मनी इमीडिएटली ही कैन गेट हिज बिल डिस्काउंटेड बाय अ कमर्शियल बैंक. इसका मतलब क्या है, एक पार्टी है उसने गुड सेल किए कस्टमर को कितने के 10,000 के, लेकिन कस्टमर ने कहा मैं आपको पैसे थोड़े दिन बाद दे जाऊंगा, तो वापस क्या प्रूफ है कि वो थोड़े दिन बाद दे जाएगा, हमारा नोन है, ठीक है, इट्स ओके, हमारा नोन है. तो हम उसको एक बिल डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज उसको बिल बना के देंगे, उसका पीरियड होता है 3 months, 3 महीने बाद, और जब भी नहीं देता तो उसको हम 3 दिन ग्रेस दे देते हैं, ठीक है, 3 महीने बाद वो आपकी मनी लौटा देगा और 3 दिन उसके ग्रेस देंगे, ठीक है, ये डेज होते हैं, ठीक है. लेकिन अब 1 महीना ही कंप्लीट हुआ और पार्टी को, मतलब जिस दुकानदार ने उसको गुड्स बेचे हैं, उसको 10,000 की नीड पड़ गई. उसको क्या पड़ गई, 10,000 की नीड पड़ गई. अब वो इसके पास तो जा नहीं सकता क्योंकि इसके पास तो 3 months बाद जाएगा. फिर वो क्या करेगा, वो बैंक के पास जाएगा, वो एक पेपर लेके, उसकी जो उसके पास एक पेपर है जो उसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया, उसके पास भी होगा, उसके पास भी होगा, ठीक है, तो उसने उसको दिया होगा, ठीक है. अब बैंक क्या करेगा, बैंक उसको पैसे दे देगा, कितने, 5% वो अपने काटेगा, 10,000 माइनस 10,000 का 5% करेंगे, 590 लेगा, ठीक है. इसको पैसे की नीड पूरी होगी, अब कस्टमर से कौन लेगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन. पार्टी लेगी, बैंक लेगी, बैंक जाएगी 3 महीने बाद, वो तब भी नहीं देता तो उसके 3 दिन ग्रेस देके देते हैं उसको, उसके बाद बैंक अब कस्टमर से लेगा. ये है हमारा डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज बाय कमर्शियल बैंक. ये जनरली बैंक्स करते हैं और जो हमारे बिजनेसमैन होते हैं वो बैंक से करवाते हैं जब उनको नीड पड़ती है, ठीक है. अब बहुत सिंपल हो जाएगी हमारी डेफिनेशन. देखो, इन केस ऑफ द होल्डर ऑफ बिल, बिल जिसने बनाया, होल्डर मतलब पार्टी, नीड्स मनी इमीडिएटली, जब उसको मनी चाहिए बहुत इमीडिएटली, ही कैन गेट हिज बिल डिस्काउंटेड बाय कमर्शियल बैंक. और जो ये बिल है 10,000 का, वो किससे डिस्काउंटेड करवा लेगा, कमर्शियल बैंक से. जरूरी थोड़ी एक बिल हो, बहुत सारे बिल्स हो सकते हैं, ऐसा आपके 10 बिल हो जाए, 10,000 कितना अमाउंट हो गया, वो सारा अमाउंट बैंक से लेगा, और बैंक फिर किससे लेगा, कस्टमर से, ठीक है. उसको सारे पैसे नहीं देगा, कुछ काट के देगा और इससे भी कुछ इंटरेस्ट लेगा. हमारा नेक्स्ट फंक्शन है एजेंसी एंड रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन. जनरली जो हमारे रेगुलर कस्टमर्स होते हैं किसके, बैंक के, उनको बैंक क्या करता है, एजेंसी एंड रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन, उनको क्या करता है, बैंक नॉर्मली ये वाली फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा देता है ऑन द बिहाफ ऑफ द कस्टमर्स, ठीक है, और वो एक नॉमिनल चार्जेस ले लेता है किससे, कस्टमर्स से, ठीक है. कलेक्शन ऑफ चेक ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर, वो चेक्स कलेक्ट करते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है. फर्स्ट हमारे ये कलेक्शन ऑफ चेक्स मतलब कलेक्ट करता है उनके, उसके बिहाफ पे जितने भी चेक्स आते हैं वो सारे कौन कलेक्ट करता है, बैंक, ठीक है. पेमेंट ऑफ चेक, जितने भी पेमेंट होते हैं चेक के ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर कौन करता है, हमारा बैंक करता है. बिल ऑफ एक्सचेंज जो हमने पढ़ा था, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये वही चीज है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो बैंक वो भी करता है ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर. कलेक्टिंग डिविडेंड क्या करता है, डिविडेंड कलेक्ट करता है, इंटरेस्ट कलेक्ट करता है. डिविडेंड हमें मिलता है डिबेंचर्स पे, इंटरेस्ट हमें मिलता है शेयर्स पे, ठीक है. डिबेंचर एक तरीके का लोन होता है, ठीक है, कंपनीज हमें देती है तो उस पर हमें डिविडेंड मिलता है, और शेयर्स पे हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट, वो भी ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर बैंक हमारे लिए रिसीव करता है. रेमिटेंस फैसिलिटीज जो हमने बिल्कुल अपनी फर्स्ट डेफिनेशन में पढ़ा था, ठीक है. रेमिटेंस फैसिलिटी मतलब हमारे जितने भी फंड्स होते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बैंक उनको ट्रांसफर भी करता है. परचेज और सेल ऑफ द सिक्योरिटीज, कभी कभार जब सिक्योरिटीज के प्राइस डाउन हो जाते हैं, हमारे इक्विटी शेयर्स है, हमारे प्रेफरेंस शेयर्स है किसी भी कंपनी के, अगर वो कम हो जाते हैं तो उनको परचेज कर लेते हैं कौन, बैंक, ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर. और अगर उनके प्राइस बढ़ जाते हैं तो उनको क्या करते हैं, सेल करते हैं सिक्योरिटीज. सिक्योरिटीज मीन्स योर प्रेफरेंस शेयर, योर डिबेंचर्स, योर इक्विटी शेयर्स एंड बॉन्ड्स होते हैं, मेनी मोर सिक्योरिटीज आर अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक है. तो सारे काम कौन करता है, हमारे बैंक. ये एजेंसी एंड रिप्रेजेंटेटिव फंक्शंस है. दो फंक्शंस और हैं, अंडरराइटिंग फंक्शन एंड अदर एजेंसी फंक्शन. अंडरराइटिंग फंक्शंस क्या होते हैं, अंडरराइटर्स हमें बहुतों को पता होगा, बट जिनको नहीं पता वो बहुत ध्यान से सुनना, बहुत छोटा सा वर्ड है बट इसका मीनिंग थोड़ा सा लेंदी है.
अंडरराइटर्स वो होते हैं, कंपनी है, उसने अपने शेयर्स इश्यू कर दिए, ठीक है, तो अंडरराइटर्स एक सिक्योरिटी लेते हैं कि 1000 शेयर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको सेल कर दूंगा, ठीक है, और वो उनसे कहा जाता है कमीशन लेता है। अगर 1000 नहीं मिले, 1000 नहीं सेल हुए तो वो खुद रख लेता है, ठीक है, ये होते हैं अंडरराइटर्स। अब बैंक क्या करते हैं, अंडरराइटर की तरह काम करते हैं, वो कुछ कंपनी से अपने शेयर ले लेते हैं, ठीक है, वो कहते हैं हम अंडरराइटर बनते हैं और हम अपने कस्टमर्स को सेल कर देंगे, ठीक है। इससे कौन सिक्योर हो जाता है, कंपनी भी सिक्योर हो जाती है, बैंक उनके लिए अंडरराइटर बन जाता है और बैंक उनसे अंडरराइटर कमीशन लेता है, ठीक है, और जो हमारे कस्टमर होते हैं वो भी सिक्योर हो जाते हैं कि हमें बैंक से किसी कंपनी के शेयर्स मिल रहे हैं, तो दैट मींस कि वो सिक्योर होंगे, उन पे हमें थोड़े टाइम बाद इंटरेस्ट मिलेगा। वो टर्म्स एंड कंडीशन इज वेरी डिफरेंट कि हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन जनरली जो बैंक होते हैं वो अंडरराइटर फंक्शन ऑल्सो प्ले करते हैं, किसके लिए, कस्टमर के लिए और एक कंपनी के लिए भी। अदर एजेंसी फंक्शन में हमारे 3-4 है, ऑप्टेन पासपोर्ट, वो जनरली कस्टमर्स का पासपोर्ट भी ऑप्टेन करते हैं, ट्रेवलर टिकट भी ऑप्टेन करते हैं, इवन सिक्योर द एयर टिकट ऑफ द कस्टमर। वो जनरली क्या करते हैं, फ्लाई नाउ पे लेटर, एक ये फंक्शन होता है फ्लाई नाउ, अभी उड़ जाओ बाद में पे कर देना, इसका ये मतलब है। इसका मतलब क्या होता है कि हमें वो, हमें अगर एयरपोर्ट, हमें एयरबेस से कहीं जाना है तो हम उससे लोन लेते हैं, एयरबेस का समथिंग कंडीशन होती है, वो लोन लेते हैं, ठीक है, वो उसको बाद में पे कर देते हैं, मनी लेते हैं हमारे एयर टिकट के लिए। वो एक हमारा एजेंसी एंड रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन की तरह ये बैंक हमारा वर्क करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जनरल यूटिलिटी फंक्शन। हमारा नेक्स्ट फंक्शन है सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल गुड्स। वैल्यूएबल गुड्स मींस जनरल यूटिलिटी फंक्शन। नॉर्मली बैंक हमारी जनरल जो यूटिलिटी फंक्शन है, यूटिलिटी मींस हमारा जो सेटिस्फेक्शन, नॉर्मल जो जनरल हमारे जो फंक्शंस है वो बैंक हमारे लिए वो भी परफॉर्म करता है। कैसे, सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल गुड्स। वैल्यूएबल गुड्स मतलब हमारे पेपर्स हो गए, गोल्ड हो गया, हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, अगर हम बैंक में एक लॉकर फैसिलिटी लेना चाहें तो हमें बैंक वो भी देता है सेफ कस्टडी। हमारी किसकी सेफ कस्टडी, किसकी, वैल्यूएबल गुड्स की। इशूइंग अ ट्रेवलर चेक, अगर हमें कहीं बाहर घूमने जाना है तो फ्रॉम द रिस्क ऑफ मनी, ठीक है, हम इतना सारा कैश इशू करें, इससे हमें क्या देता है, बैंक हमें क्या देता है, ट्रैवलर चेक दे देता है। हम कहीं भी घूमने जा रहे हैं, वो चेक अगर दे तो वो हमें मनी दे देता है, इससे हमारा रिस्क कम होता है, किसका, कैश का, और हमें नॉर्मल से एक छोटा सा चेक होता है जो चेक का साइज होता है वो रखना पड़ता है, ठीक है। गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर कस्टमर, कस्टमर को नॉर्मली वो इन्फॉर्मेशन देता रहता है सब चीजों के बारे में, ठीक है, जो भी मार्केट में है, जो भी सब कुछ है, ठीक है। बिजनेसेस के बारे में वो सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। एक फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह भी काम करता है। फाइनेंशियल मतलब हमें फाइनेंशियली हम मतलब कहाँ पे हम इन्वेस्ट करें और कहाँ पे नहीं करें, किस जगह करें किस जगह नहीं करें, ठीक है। गारंटी, जितने भी लोन लेते हैं उनकी गारंटी भी बैंक लेता है। अरेंजमेंट ऑफ पब्लिक डेट्स, जितने भी हमारे पब्लिक डेट्स होते हैं उनका भी अरेंजमेंट हमें बैंक करके देता है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, जितने भी हमारे अगर हमारी कोई डील फॉरेन से है और अगर उसके कोई ट्रांजेक्शन है, उनका एक बैंक के पास अलग सेक्टर है, एक अलग डिपार्टमेंट है, वो भी बैंक ध्यान रखता है। ये थे हमारे जनरल यूटिलिटी फंक्शन। हम प्राइमरी फंक्शन पढ़ चुके हैं, सेकेंड हम प्राइमरी फंक्शन में हम दो पढ़ चुके हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एडवांसिंग लोन। थर्ड हम पढ़ चुके हैं एजेंसी फंक्शन, ठीक है, वो सेकेंड था हमारा एजेंसी फंक्शन। थर्ड है हमारा जनरल यूटिलिटी फंक्शन, एक और है हमारा लास्ट है फाइनेंशियल मैनेजरियल अरेंजमेंट फॉर फॉरेन ट्रेड फाइनेंशियल, ठीक है। ये नेक्स्ट पर्सन, नेक्स्ट हमारा फंक्शन है फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल अरेंजमेंट फॉर फॉरेन ट्रेड्स, ठीक है, फॉरेन ट्रेड्स के लिए, ठीक है, अरेंजमेंट फॉर फॉरेन ट्रेड्स, इट्स फॉरेन, ठीक है। कमर्शियल बैंक हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द एक्सपेंशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, दे मेक अवेलेबल द शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू द ट्रेडर एंगेज इन फॉरेन ट्रेड। दीज बैंक ऑल्सो अंडरटेक द फंक्शनिंग ऑफ एक्सेप्टिंग एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल एंड लेटर ऑफ क्रेडिट, मेक्स द इंटरनेशनल बिजनेस इजियर एंड कन्वीनियंट। इट मीन्स अगर इफ अ पर्सन इज एंगेज इन एनी ऑफ फॉरेन ट्रेड बिजनेस, सो बैंक जनरली बैंक प्रोवाइड्स, उनको प्रोवाइड्स क्या करता है, उनपे उनकी हेल्प करता है, किसमें, उनको फॉरेन ट्रेड्स में फाइनेंशियल, उसको फाइनेंशियली भी हेल्प करता है, मैनेजरियल अरेंजमेंट्स करवाता है, किसमें, फॉरेन ट्रेड में, शॉर्ट टर्म क्रेडिट दे देता है, मेक अवेलेबल शॉर्ट टर्म क्रेडिट, क्रेडिट